हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा केंद्र है, तो आपको बता दूँ कि काफ़ी डिमांड थी कि परीक्षा केंद्र मंडल में बनाना चाहिए। तो जो परीक्षा केंद्र है, तो आपको बता दें मंडलों में नहीं बनाए गए हैं, जिलों में बनाए गए हैं। 75 जिलों में केंद्र बना दिए गए हैं। तो आपको बता दें ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और आपको बता दें टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अलग अलग दिन में है, जहाँ पर सबसे पहले परीक्षा टीजीटी की होगी, फिर दूसरी होगी पीजीटी की परीक्षा होगी। आप लोगों को जल्दी लिस्ट मिल जाएगी किस दिन कौन सा पेपर है, इसलिए अब आप निश्चिंत रहिए कि पेपर कहाँ पे होंगे। पेपर आपके अपने ही उधर होंगे, इस वजह से आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था पिछले वीडियो में कि उन्हें बड़ी दिक्कत होगी अगर पेपर इधर उधर हो जाएंगे बाहर, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पेपर बहुत सी जगह अलग अलग जगह पर पड़ सकता है, तो अभी पहले पूरी लिस्ट आने दीजिए, फिर अपना इस हिसाब से तैयारी करिएगा, उस हिसाब से अपने रिजर्वेशंस कराइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एडमिट कार्ड का है, तो एडमिट कार्ड अब बस आने वाला है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को एडमिट कार्ड आएगा, और सबसे पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा यूपी टीजीटी का, क्योंकि सबसे पहला पेपर टीजीटी का होना है। फिर उसके कुछ दिन बाद पीजीटी का आ जाएगा, या कहिए पीजीटी का ही पहले आ सकता है। लेकिन अब बस जो एडमिट कार्ड है वो आने वाला है, 25 जुलाई से आ जाएगा। और अगस्त में पेपर पढ़ेंगे, अच्छे से दीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मेरे चैनल में अगर आप बने रहेंगे तो आपको हर एक डिटेल मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। पहले आप लोगों को था टेंशन कि कहीं अपने ज़िले के बाहर ना हो, तो अब आप बिल्कुल अपने ज़िले में रह सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।